भाई से हम हैंड ब्रेक वो करवा रहे हैं अपने दिशु भाई से, दो दो हाथ लगा रही है नहीं हो रही, ये ऊपर ही नहीं हो रही। छोड़ दे छोड़ दे, सही में भाई मैंने दो तीन दोस्तों से भी पूछ लिया ट्राई करवा के, बट नहीं हुआ किसी से भी। तो गाइस बढ़िया लंच कर लिया है, आई होप सबको खाना अच्छा लगा हो। फूड वाज गुड दिशु भाई? फूड वाज गुड भाई? तो भाई लोगों अब हम लोग जा रहे हैं इनको थोड़ा कॉर्बेट दर्शन कराने, बिकॉज ये लोग फर्स्ट टाइम आए हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारा फर्ज बनता है भाई, हमारे मेहमान हैं तो उनको घुमाने की ड्यूटी हमारी यहाँ पे बनती ही बनती है। ठीक है, फटाफट से कॉर्बेट फॉल चलते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर थोड़ा और टाइम मिल गया तो हमारे पास अगले रास्ते में आगे जाने के लिए भी मौका मिल जाएगा, या तो इनको भीम का पत्थर दिखा दूंगा मैं। बट गाइस आपको एक बात बताता हूँ मैं, ये पैकेज में इंक्लूड नहीं है, इसके लिए आपको इसका दोस्त बनना पड़ेगा। ये बात है, कॉर्बेट फॉल वाले एरिया में जा रहे हैं और इस तरफ भी जंगल है आपके, इस तरफ भी जंगल है, कुछ मजा आ जाए। तो भाई कभी भी आज तक वैसे मेरे को यहाँ पे साइटिंग नहीं हुई है, बट मैंने काफी बारी सुना, गॉड ब्लेस यू, काफी बारी सुना है मैंने भाई यहाँ पे कि एलिफेंट्स आ जाते हैं, इसलिए लोग जल्दी इस एरिया को बंद कर देते हैं। तो इसका क्लोजिंग टाइम है 5 बजे का। हाँ जी लिली बैठो सर। तो इसका एरिया का क्लोजिंग टाइम है भाई 5 बजे, और 4 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं है। यहाँ पे लगा हुआ डियर का नोटिस, ऐसे ही हाथी और टाइगर का भी नोटिस है। अरे भाई मस्त वीडियो बना रही है अपनी, ये देखो यहाँ से ले लो इसको, पूरी जंगल सफारी की फील लेती हुई भाई हमारी दिशु भाई। मजा आ रहा है? Yes. यहाँ से रास्ता बना दिया, बिकॉज यहाँ पे पेड़ गिर गया, वो देख मचान भी बनाई उधर शायद से चढ़ने के लिए ऊपर। और इस तरफ भी कॉर्बेट का जंगल भाई, इस तरफ भी कॉर्बेट का जंगल, और इधर को पेड़ जो गिरा था तूफान से उसकी वजह से ये स्टेप ट्री बना दिया। कॉर्बेट फॉल फाइनली आ चुके, पहले यहाँ पे अलाउड था जाना बट अब नहीं है, यहाँ पे सब कुछ रेलिंग वेलिंग लगा दिया इन लोगों ने, और पानी काफी ज्यादा डीप हो चुका है, और ये एरिया भी देखो कितना ज्यादा डीप हो चुका है ये वाला। ये आए हैं घूम रहे हैं यहाँ पे लोग, ऐसे घूमेंगे ये लोग छोटे छोटे। बेसिकली गाइस हम आ चुके हैं ढिकुली रोड पे, ये ढिकुली रोड सीधा जाती है टिकाला वाले गेट तक जहाँ पे म्यूजियम है, इस तरफ है बिजरानी आमदंदा गेट और इस तरफ भी है बिजरानी का गेट। से ठीक 15 या 20 दिन पहले ये गिरजा माता मंदिर का रास्ता जा रहा है, और इसी दुकान के जस्ट सामने से टाइगर क्रॉस करके गया था मैं, वो क्लिप डाल दूंगा इस व्लॉग में आप लोगों को दिखाने के लिए जिन लोगों ने अगर नहीं देखी होगी। एंड ये आ चुके गिरजा चौकी, एंड यहाँ से स्टार्ट होती है ढिकुली रेंज जो है ढांगड़ी गेट। सड़क पर करने का पहल अधिकार विनय नहीं है। एलिफेंट कॉरिडोर, एलिफेंट है पिग है भाई, पेशेंस ही नहीं है तुम में तो पहली बात, पेशेंस भी नहीं है चिड़िया। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं नांगड़ी गेट पे, आई होप दे विल अलाउ अस टू गो इनसाइड द म्यूजियम राइट नाउ, अगर नहीं अलाउ करेंगे तो फिर कोई बात नहीं, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग करी हुई है, इसको कुछ दिखा है नीचे। बढ़िया भाई यहीं आ जाएगा टाइगर। टाइगर शीशा बंद करो, धूल आके देखो गाड़ी की सारी। और ये हम लोग वॉक कर रहे हैं जंगल के रास्तों पे यहाँ पे, और ये आ चुका है टिकाला ढांगड़ी गेट भाई, मोस्ट फेमस गेट। और उस तरफ है भाई अपनी कोसी नदी, और वो है सामने रानीखेत के पहाड़ उस तरफ। I hope they will allow us. If they don't, no worries, we'll go back. But let's hope for the best. ठोक देनी बंदा कर दे टाइम कट के ढांगड़ी गेट, यही आ रहे अपन लोकल, अपनी मीटिंग भी है कल अंदर और सफारी भी। बचपन में आपको दिखाऊंगा इस स्पीड बोट के साथ एक फोटो भी है,
और 20 मिनट में बंद हो जाएगा ये एरिया। उधर टाइगर आ गया। ये टाइगर की स्किन और ये उसकी असली बॉडी है। अरे मिट्टी हो गई उसकी। ये देख, ये असली है, ये बोन्स है और उसके ऊपर ये स्किन चढ़ाई हुई है इस तरीके से। ये असली टाइगर है और ये नकली टाइगर के ऊपर इसकी स्किन बेसिकली किसी ने स्किन के ऊपर चढ़ा दी है। ये असली है, ये बोन असली टाइगर की है। साइज देख रहे हैं मोहन टाइगर का, मुंह देख रहे हैं इसका, मुंह देख लो भाई इसका। अरे वो बीमारी हो गई ना, कोई बीमारी हो गई, हाथी से लड़ते हुए मरा। और उसका साइज देख लो, 15 फीट है ये। ये देख ले, यहाँ पे इसने हाथी ने अपने मुंह घुसा दिए होंगे दांत इसके अंदर, तस्कर हाथी ने। ये पूरा फटा हुआ इसका। तो बेसिकली उसको वो हाथी के दांत घुसने से ये बीमारी हुई है। पैकेट रम ऐसा है, ठीक है भाई। भाई इसकी लेंथ देख लो एक बारी, करीबन करीबन 15 फीट है ये टाइगर। 15 फीट लंबा टाइगर है भाई, मतलब 0.1 पे दिखाना, 0.5 पे दिखाना पड़ रहा है, इतना लंबा टाइगर है ये। दिस बेबी एलिफेंट डाइड भाई, क्या टाइगर है यार ये। सामने से देखो इसको तुम, असली में होता ना ये, मैं यहाँ पे ऐसे खड़े भी नहीं हो पाता। भाई ये देख लो, बहुत बड़ा लग रहा है ना, उसका पापा देख लो तुम अब जरा। 15 फीट ऊंचा टाइगर है भाई ये, 15 फीट एक फ्रेम में भी नहीं आ रहा। ये देखो भाई, क्या है, बारिश हो रही है भाई यहाँ तो। वाओ, बारिश कैसे होती है वो दिखा रहे हैं। वाओ, क्रेजी सीन होने वाला है जरा। इसलिए हम आपके लिए वीडियो का शो कर रहे हैं। सारे जानवर कैसे बोलते हैं जंगलों में वो दिखा रहे हैं। अब लेपर्ड आएगा मेरे ख्याल से इस तरफ। वो क्या है, वो क्या है, उधर आया है। वो क्या है, सांप, सांप, सांप। छोटा उल्लू, छोटा उल्लू मंकी है उधर, वो रहा, वो रहा वहां पे। ओए ओए लेपर्ड, 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 ये रहा। सारे लोग बैठ चुके हैं हम लोग, और थिएटर में 3D में देखने वाले सारे जानवरों को यहाँ पे, मजे से। वो लाइटें बंद होने वाली है गाइस, 3D बढ़िया मजा आ रहा है भाई। रुको, 3D ग्लासेस में लगा के दिखाता हूँ आपको कैमरे में। 3D ग्लास लगा दीजिए, हाँ तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा 3D ग्लासेस में। ये देख लो भाई, ये देख लो भाई, व्लॉग के लिए आपके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। ये जिम गॉबिट का जंगल का मैप, दिल्ली जितना बड़ा है तेरे को पता है ये जिम गॉबिट। और ये कौन सा है, वाज अ मैन ईटर इन सॉल्ट एरिया एंड हैड किल्ड 6 children एंड वाज शॉट डेड। गोली के निशान कहीं तो होंगे, ये रहा, ये रही गोली के निशान, ये रहे मत्थे पे मारी, मत्थे पे मारी। और कहां पे,
मेरे व्लॉग के लिए अच्छा कंटेंट दे दिया भाई तूने, मजा आ गया भाई। अरे इतने आ जा भाई, वीरे की गल आ गई तुहाडी। आयो भाई, अरे वो कहाँ है, मानसी कहाँ है, मानवी कहाँ है, मानवी कहाँ है, मैं तो नहीं छू रहा। ये हड्डी है क्रोकोडाइल के, भोले बाबा जी का हमारे 30 यूनिट। ये कौन सा है, लेपर्ड, 80 से 90 दिन पुराने। ये देख लो भाई, छोटे छोटे से कितने प्यारे से बच्चे बेचारे पैदा होते मेरे। बदबू भी आ रही है इधर से थोड़ी थोड़ी। और ही वो देवर फाउंड 30 डेज के, देख लो लेपर्ड कैसे होते हैं भाई। ये स्किन चढ़ी हुई है इसमें, ये देख लो भाई, ये देख लो असला है। बस ये एक इलेक्ट्रिक फेंस गेट का, नहीं पुलिस वाले पीछे से रोक देंगे तेरे को। कोई भी इधर से फोटो ले, पीछे का व्यू आना चाहिए, पूरा हॉरर वाला वो आ रहा है। पीछे देखते रहना सालो, पीछे से कहीं टायर ना आ जाए, शीशा ऊपर चढ़ा लो थोड़ा बस। अरे इधर से तो मैं बाहर निकलने की सोच रहा हूं। ओ भाई ये मत कर रे, इसको ऊपर से निकल जा बेशक। वहां पे कुछ है भाई, वो देखो डियर 00 पॉइंट पे आए हैं भाई हम लोग। वो मोर है, तेरे को कहां दिख रहा है एग्जैक्टली दीक्षा? वो देखना, वो रुक जा, वो तो डियर ही है भाई। कहाँ देख रहा थी? तू कहाँ दिखा रही है? नहीं, मैं इस साइड दिखा रही हूँ। वो डियर तो उस साइड देख रहा है ना? नहीं, एक तो सामने भी डियर है, ये देख रहा। मेरे को ना कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। बस हम भी बाहर आ जा, तू देख के जाओ उस तरफ शंकर के पास ही खड़ा रही हो। फिर बोला हमारी सेफ्टी के लिए। बाहर मत आ, तू जब ऊपर से देख रही है तो देख पा रही है। और वहाँ सारे रिजॉर्ट्स हैं, वहीं शाह विला है जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ से नीचे उतरेंगे और रिवर बेड पर जाएंगे और इस तरफ देखते हैं क्या हलचल चल रही है। चलो फटाफट से चलते हैं भाई, पर बहुत शांत है, टाइगर आसपास है नहीं वैसे। भाई मेरे को यूट्यूबर दिख चुके हैं भाई, ये यहाँ के सबसे फेमस यूट्यूबर है जिम कॉर्बेट के, नाम भूल रहा हूँ मैं भाई अभी इनका। फाइनली सर से मुलाकात होती हुई, द फेमस यूट्यूबर फ्रॉम आवर जिम कॉर्बेट एंड राजाजी नेशनल पार्क। कैसे हो आप, कोई साइटिंग हुई आपको कुछ अभी? नहीं नहीं, अभी तो मैं ऐसे निकला हूं, वीरू क्या जा रहा था। अच्छा वहां पे मैगी पॉइंट, हम भी अभी जाएंगे, हम जब मैं इनको फ्रेंड्स को अपने शाहविला दिखाने लेके जा रहा था। हां तो मैं दिल्ली से आया था। कहां रुके हो आप? हम मेरे रिसॉर्ट है यहां पे बेलपराव में। अच्छा आपका? हां कॉर्बेट टाइगर डेन रिसॉर्ट। अच्छा टाइगर डेन आपका है? कॉर्बेट वाला टाइगर डेन अलग है, कॉर्बेट टाइगर डेन मेरा है। टक टक तो खा लेंगे, चलो। और ये भाई शाहविला के पास आए हम लोग, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई, मजा आ रहा है, अलग ही वाइब है। और अभी गाड़ी हमारी नीचे से बच भी गई है, सो आई एम नॉट श्योर कि क्या लगा है। आई होप पेट्रोल टैंक इज सेफ। यहाँ धीरे ही चलाता हूँ भाई क्योंकि गाड़ी में वेट अभी बहुत ज्यादा है हमारा। यहाँ पे ना इतना कमर्शलाइज कर दिया, रिवर बेड के पास बहुत सारे रिजॉर्ट बन रहे हैं यहाँ पे। भाई ये आ चुका है शाहविला, यहाँ रुकने आना भाई एक दिन। इस विला के, इस विला से जो साइटिंग होती है ना जानवरों की, वो और कहीं नहीं हो सकती भाई। मतलब ये देख लो, ये लगा रही है इलेक्ट्रिक फेंसिंग यहाँ पे, ये लटकाने वाली लगा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग। और ये आ चुका है शाहविला, भाई ने पूरा गेट वेट भी बना लिया है सिक्योरिटी के लिए क्योंकि हाथी बहुत बार आ चुका है इनके विला में। ये है शाहविला गाइस, फाइनली फाइनली ऑन द व्लॉग। ब्यूटीफुल, काफी लोग रुकने आए हैं यहाँ पे, एक दिन हम भी रुकने आएंगे, इनका टॉप फ्लोर पर रुकेंगे ताकि पूरे जंगल का, इस जंगल का व्यू ले सके। और अभी हम जा रहे हैं जंगल के अंदर रिवर बेड पे। आई होप कोई चलान वलान ना काटे हमारा गाड़ी का। बस लेट्स सी कितना सेफ है यहाँ पे। बाघ प्रभावित क्षेत्र, यहीं पे टाइगर ने मारा था एक लेडी को कुछ दिन पहले, और उसी एरिया में हम जा रहे हैं। अगर बाहर नहीं निकल रहे तो सनरूफ बंद कर देते हैं। और कबीला रिजॉर्ट वही रिजॉर्ट है गाइस जिसकी मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, अगर आपने देखी होगी, जिसके रिजॉर्ट के अंदर शाम को टाइगर घुस चुका था। और उस तरफ कहीं है चुकुम विलेज, तो मैं इस बेल्ट में आया ही फर्स्ट टाइम हूँ। और यहाँ देख लो कितने सारे सारे रिजॉर्ट्स बन रहे हैं भाई, कितने सारे रिजॉर्ट्स, पूरा बेल्ट ये कमर्शलाइज हो चुका है। और ये देख लो अभी से इन्होंने इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा दी है ताकि कर्मचारियों को कोई नुकसान ना हो। ये देखो भाई कहाँ घुसा दी हमने गाड़ी अपनी, यहाँ अगर हाथी आ गया तो समझ लो आज खेल खत्म हमारा भाई। तो ये व्लॉग नहीं आ पाएगा, कुछ नहीं देख पाएगा भाई, ना यहाँ से मैं रिवर्स कर सकता हूँ ना कोई घुमाने की जगह है। यहाँ से सिर्फ हम एक ही चीज कर सकते हैं, वो है प्रार्थना और बचाओ बचाओ चिल्ला सकते हैं।
और उस तरफ है कबीला रिजॉर्ट जहाँ पे वो गाड़ियाँ खड़ी हैं बहुत सारी। दीक्षा एक बार देखना ऊपर से निकल के, कुछ दिखता कि नहीं दिखता तेरे को? नेक्सॉन भी खड़ी हुई है और वो सामने रानीखेत के पहाड़ है। बस यहीं तक जा रहे हैं गाइस और यहाँ से फिर हम गाड़ी घुमा लेंगे और वो है कैंपिंग वाला एरिया, वहाँ पे लोग कैंपिंग करने आते हैं। ये पसली वाला एरिया, ये फन वाला एरिया है यार, इतने सारे लोग हैं। वो तो पूरे लोग क्या कर रहे हैं कहाँ पे भाई, एकदम जंगल के बीच में गाड़ी लगाई है। रिवर बेड तक जाने में डर लग रहा था थोड़ा मेरे को, क्योंकि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम लग रहा है अभी इस टाइम पे वेट की वजह से। हम जंगल के बीच, दरवाजे बंद रखो यार। ओ तू बंद कर, मेरे फोटो क्लिक करवानी ऊपर चढ़ के। भाई क्या व्यू है, फोटो बंद कर यार। बाहर आ जा दीशू, इस तरफ से बाहर आ जा, जैसे मोटा खड़ा है। सेक्सी आ रही है फोटो तीनों की। मैं मोटे सामने देख ले। ये पूरी एक नदी है, नदी जो सूख चुकी है भैया। देखो वहाँ पे थे अभी हम लोग और अब इस पेड़ पे गाड़ी लगा के नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। सो थॉट ऑफ कि इट कुड बी सेफ, आई डोंट नो हाउ मच सेफ इट इज, दे आर सिटिंग इनसाइड इन द इलेक्ट्रिकल फेंसिंग एंड वी आर आउटसाइड द इलेक्ट्रिकल फेंसिंग। वो तो घंटी पट्टी कर रही है वहाँ पे बैठ के राइट साइड पे। वहाँ दूर कहीं पे लोग चल रहे हैं और कैमरे से ही पता चल रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा इससे। एंड हम वहाँ से अपनी गाड़ी लाए हैं रिवर के बेड से यहाँ तक, और यहाँ पे लोग डॉग्स भी लाए हैं अपने, वो देखो गोल्डन रिट्रीवर। और एक बंदा तो अपनी मर्सिडीज लेके आया हुआ है यहाँ पे। भाई मेरा भी बहुत मन था नेक्सॉन को लेके जाने का, बट नहीं लेके जा पाया अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ अपने डॉगी को पानी में लेके चले गए वो लोग। भाई जिप्सी चली गई वहाँ पे, मैं नहीं जा पाया, दुख हो रहा मुझे अब। जिप्सी जा रही है भाई उस पानी में, जा रही कि नहीं जा रही? हाँ गई 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 यार, उसको पता है ना पानी कहाँ पे कम है ज्यादा, वो डेली आता होगा ना ड्राइवर, हमारे को नहीं पता। वो देखो आधा पहिया गया, आधा पहिया भाई बहुत गहरा, नेक्स्ट वन की बम्पर तक का पानी है। नहीं आधा पहिया गया तेरा तो, ओ आधे पहिया तो ऊपर हो गया भाई। हां मेरा पूरा जाता, उसका बोनट चला गया भाई, दिख गया दिख गया मेरे को, पूरा जाता मेरा, पूरा जाता। लेकिन ये थ्रिल है भाई, मेरी तो गाड़ी नीचे से बच जाती इसमें, इस गहरे पानी में। बंदे देख कितने बैठे उसमें, तब उठा के ले गया वो उसको, बंदे देख कितने। बट जो सामने वाला था ना वो पानी कम था, और टोफी गिर जाए जमीन पे, गनल पे गए टोफी धोई, साफ हो गई, साफ हो गई भाई। डल नहीं है, मैं तो कपड़े से साफ करके खाई हुई है आज से ही। ये ले, ये ऊपर से मिट्टी झाड़ी कितनी। क्योंकि एक बात बोलूं, बच्चे वही स्ट्रांग थे, आजकल के तो पीपीले हो रहे, चश्मा लग जाता है आजकल के 4 साल के बच्चे। स्ट्रांग है हम, जीन्स अच्छे मिले हुए हैं, और हमने भी अच्छे अमीबाज खाए हमने जमीन से उठा उठा। हां अच्छा अमीबा, गुड अमीबा, गुड अमीबाज। और हमारा हमारी इम्यूनिटी इतनी वो है ना कि मैं तेज हां तंदर कर पैन चोद मूवमेंट हो गई तो अब स्टार्ट होता है एलिफेंट कॉरिडोर यहाँ से गाइस।